नाउ विल स्टार्ट सेवेंथ क्वेश्चन का डी. सो सब क्वेश्चन भी लिखेंगे और मेन क्वेश्चन सेवेंथ का डी है ये, तो उसे भी हम कंटिन्यू करते हैं. क्या दिया है? अ पर्सन स्विम्स. तो आप लोगों ने जो फर्स्ट सम सॉल्व किया ना, ये सिमिलरली उसी की तरह है. यहाँ पे 18 और 3 दिया था, 22 3 दिया था, तो यहाँ पर आप 10 100 40 80 40 और 45 20 दिया हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे. पहले क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ. अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड, 80 मीटर इन नेक्स्ट 40 सेकेंड एंड 45 मीटर इन द लास्ट 20 सेकेंड. सॉरी, लास्ट 20 सेकेंड. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? सेम, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? नथिंग एल्स. आप लोगों को एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा. ओके, तो चलो अभी मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करती हूँ. कैसे लिखना है? पहले जैसे किया था सेम वे वी विल राइट. थोड़ी बुक यहाँ वहाँ हो जाएगी तो प्लीज़ आप लोग समझ लो, बिकॉज ऊपर भी देखना, फिर दिख रहा है या नहीं वीडियो वो भी देखना पड़ता है. सो एवरीथिंग आई हैव टू मैनेज. तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पर मैं जो डिस्टेंस है वो लिख देती हूँ. पहले 100 मीटर था, सेकेंड डिस्टेंस है 80 मीटर और थर्ड डिस्टेंस दिया है 40 मीटर. अभी इसका टाइम कितना है? फर्स्ट कितना है? दैट इज़ 40 सेकेंड. टाइम टू कितना दिया है? 40 सेकेंड. और टाइम थ्री कितना दिया है? 20 सेकेंड. अब ये आप लोगों को बुक ऐसे सामने रखनी है और करना है, ठीक है? इसके बाद सेम वे में हम करेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री अपॉन टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री. देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है मुझे भी, बिकॉज टी और जी प्लस का हम सेम लिखते हैं ना, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है मुझे. तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 100 प्लस 80 प्लस 40 अपॉन 40 प्लस 40 प्लस 20. ये नंबर्स यहाँ आ गए और ये नंबर्स ऊपर आ गए डी में. ओके, क्लियर? अब इसके बाद हम इसे ऐड करना है. तो इसका एडिशन करो टू. ओके, हियर इज़ गिवन. सॉरी, इसमें ये 45 दिया है, मैंने इसी को देख लिया था. तो ये 45 दिया है, थर्ड वाला 45 है. तो यहाँ पर भी मैं लिखती हूँ 45. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 225 अपॉन 40 80 90 100. ओके, तो अभी इसे हम डायरेक्टली देखेंगे. 225 लिखो, टू नंबर्स के बिफोर पॉइंट ले लो, जो हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में सिक्स स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सिंपल, कितना इजीली सॉल्व हो गया है ये सब. कोई भी आप लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी, इतना सिंपल वे मैंने दिखाया है. तो ऑल फोर सम्स मैंने यहाँ पर एक के बाद एक करके दिखाए हुए हैं आप लोगों को. होप के कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो. और वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस भी आप लोग देखो. ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.